नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद दोस्तों। आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज़ में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माय लव टू यू ऑल, बाय बाय। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है? क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो। जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊँगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि
अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह. तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है. ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो. ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है. थैंक यू.